हेलो दोस्त, सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। मैं आज ये लोग कमल टुकला बनाने के लिए जा रहे हैं। 10 किलो का बना रहे हैं अभी। 10 किलो का आइटम में क्या क्या मानते हैं मैं आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग देखो, आप लोग किधर भी अगर ऐसा ग्रहण नहीं करेगा तो इतना सामान मिक्स करना पड़ता है। क्या क्या मिक्स कर रहे हैं मैं नाम बताएगा। आप लोग जरूर देखने का पूरा वीडियो में क्या क्या डाल रहा है। आप लोग देखो, अभी मैं येलो टुकला बना रहा है। पहला शुरुआत में ये 8 किलो चना दाल लेने का। ये चना दाल 8 किलो में यहाँ पे पैकेट में अभी चना दाल हो गए 8 किलो। ये सॉल्ट है 10 किलो का साथ, 8 किलो चना का साथ ये 300 ग्राम सॉल्ट डालने का। मैं सॉल्ट डाल दिया इसमें। बाद में शुगर डालना पड़ता है, शुगर भी 300 ग्राम डालना पड़ता है। और बेकिंग सोडा, मैं बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ, वो भी 300 ग्राम उसमें। ये साइट्रिक एसिड मैं ये भी डाल रहा हूँ उसमें 300 ग्राम। इसमें है इंडियन रवा, इंडियन रवा डाला है 250 ग्राम्स। इसमें मिक्स है एंड ग्रीन चिल्ली पाउडर एंड जिंजर पाउडर एंड ग्रीन चिल्ली पाउडर 60 ग्राम डालने का। 10 किलो आइटम में 60 ग्राम एंड जिंजर पाउडर 200 ग्राम डालने का। और दूसरा एक आइटम है ये हिंग राज पाउडर, तो 60 ग्राम डालना पड़ता है। टोटल मिला के 9 आइटम होता है। 9 आइटम अभी मैं मिस कर रहा हूँ इसमें, बराबर बराबर करके मिस करने का इसको। अभी मेरा मिक्सर हो गया। अभी मेरा मिक्सर हो गया। 10 किलो का सर क्या क्या मिक्सर करना पड़ता है। अभी दूसरा है मेन मशीन का है। अभी एलो टुकला पीसने के लिए 3 नंबर जाली मांगता है। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर जाली लिया। यहाँ पे है 3 नंबर, पूरा करकरा रहने का। वो 3 नंबर जाली चाहिए एलो टुकला बनने के लिए, लेकिन पूरा करकरा नहीं होएगा तो ओयलो टुकला नहीं बनता है। तो 3 नंबर जाली जरूर है उसका। देखो मैं कैसा फिटिंग कर रहा है, इन्हें बराबर फिटिंग करने का। ऐसा बराबर फिटिंग करके उसको प्रेस करने का, सीधा अंदर जाने का। और मैं ढक्कन इसमें लगाने का। इसमें बराबर फिटिंग करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा लूज रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, आटा बाहर निकल जाएगा, फट जाएगा। अगर बराबर टाइट करने का, ऐसा 4 गुटी बराबर चेक करने का, आखिर में स्टार्ट देने का पहले ज़रूर ये 4 गुटियाँ चेक करने का बराबर। अभी मेरा मशीन फिट हो गया, मशीन बराबर फिट हो गया। अभी कैसा स्टार्ट करना पड़ता है मैं बता रहा है। यह है येलो टुकला पीसने के लिए, ये एलो में रहने का, उसको ऊपर नहीं जाने का। क्यों? चना दाल ज़्यादा दिएगा तो जल जाएगा चना दाल, इसलिए ये येलो कलर में रखना पड़ता है। मैं डालने का बता लोगों को देखेगा मैं कितना में लग रहा हूँ। और एंड नीचे है बटन चालू करने का, ये ग्रीन चालू करने का, रेड बंद करने का। तो अभी मैं स्टार्ट दे रहा है, देखो ग्रीन प्रेस कर रहे मैं। मैं अभी आइटम डालेगा यहाँ पे, देखो कुछ भी नहीं है डाल रहे हैं अभी आइटम। देखो हमारा आइटम डाल दिया। मैं एडजस्ट कर रहे हैं, बराबर एडजस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखो, और फिर सामान डालेगा मैं पूरा। अभी
देखो बागड़ के साथ, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, पूरा सीधा डाल दिया मैं अंदर। देखो हो गया मेरा पूरा। अभी मैं एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग देखो कैसे एडजस्ट करते हैं मिक्सिंग को, कि बराबर एडजस्ट करने का। देखो आराम से एडजस्ट करने का। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर में रहेगा पूरा से, लास्ट में येलो कलर में आएगा, लेकिन देखने का ब्लैक कलर में रहेगा ज़्यादा, कि वो इसमें तीन नंबर जाली में ब्लैक में रहते हैं। तो आप लोग बराबर एडजस्ट करने का मशीन को। देखो एडजस्ट हो गया बराबर ब्लैक कलर में ही है। आप लोग कैसा मशीन लेगा तो बराबर एडजस्ट करने का, आराम से ये देखने का वीडियो, सही तरीके से करने का, जल्दी नहीं करने का। देखो येलो कलर में आया अभी, येलो कलर इसको ऊपर नहीं जाएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा अभी येलो टुकड़ा हो गया, 10 किलो 5 मिनट में हो गया। देखो मैं अभी निकल रहा हूँ, कैसा हुआ देखो आप लोग। येलो टुकड़ा देखो, सीधा येलो कलर हो गया। देखो कैसा हुआ येलो टुकड़ा, इतना अच्छा से बन गया येलो टुकड़ा। लेकिन आप लोग बनाने का है तो इतना आइटम मिस करके मेरा दुकान में लेकर आओ, मैं पीस देगा आप लोगों को, जरूर आने का इधर ही। ऐसा येलो टुकड़ा चाहिए तो फ्रेश, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, अच्छा वाला मशीन है ये, पत्थर का मशीन नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है। आप लोग जरूर आने का।